हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111 ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आप लोगों के लिए क्या हैं सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं सो so हमारे पास है डेथ कार्ड्स मैं इंटुएटिवली निकालूंगी बिकॉज ये एक शॉर्ट रीडिंग होती है फ्रेंड्स Three of Cups, Seven of Pentacles, the Hermit, Ten of Wands, Queen of Swords, <clears throat> excuse me, Five of Wands, and Six of Swords. Bottom of the deck pass hai the star. सो द स्टार एनर्जी से हमें ये पता चल रहा है फिर उससे नीचे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स कि आप लोगों की सिचुएशन होपलेस नहीं है इसमें कोई ना कोई होप ज़रूर है कुछ ना कुछ हीलिंग यहाँ पर हो सकती है पॉसिबिलिटी है इसका ये मतलब है तो फ्रेंड्स मुझे इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि आप लोग एक बहुत पेनफुल बहुत ज़्यादा टेंस किस्म के फ़ेज़ में हैं बहुत मुश्किल फ़ेज़ है ये ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ भी आप इसको कह सकते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है आपके पर्सन ने आपको बोल दिया है कि मूव ऑन करो या वो आपसे मूव ऑन करने का कह चुके हैं और आपने या तो कह दिया है किसी ने किसी को यहाँ पर ब्लॉक भी किया हुआ है मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए तो आप ये आ, सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में कि जो मैंने इतना इन्वेस्ट किया जो मेरी इतनी एनर्जी इतना टाइम लगा कुछ लोगों के लिए फाइनेंस भी हो सकता है कि लगे तो आप ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ इट वॉज ऑल फॉर नथिंग मतलब इतनी सारी मेरी एफर्ट बेकार चली गई मतलब मैंने क्यों किया इतना मतलब बहुत टेंशन है आपके जहन में इतनी थॉट्स चल रही हैं इस प्रेजेंट टाइम में कि आप अपने माइंड को बंद नहीं कर पा रहे हैं कि ये सब कुछ ज़ाया हो गया मेरी सारी एफर्ट्स ज़ाया हो गई ऐसा क्यों हुआ क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हर दफ़ा ऐसा क्यों होता है मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है ये क्वेश्चन आपके जहन में कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं बहुत कन्फ्लिक्ट है आप अपनी ही थाट्स से इस वक्त लड़ रहे हैं एंड आई थिंक कि ये आपके पर्सन के हवाले से भी है वो भी लॉस्ट हैं इस प्रेजेंट टाइम में बिकॉज मुझे ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर किसी एक इंसान की एफर्ट थी मुझे लग रहा है कि उनकी भी एफ़र्ट थी उनकी भी इन्वेस्टमेंट थी टाइम एनर्जी उन्होंने भी अपना इस कनेक्शन को दिया और वो भी ये सोच रहे हैं कि वाई मतलब क्यों हमारे दरमियान ऐसा हो गया सरकमस्टांसिज ऐसे क्यों हो गए मुझे लग रहा है कि एक बहुत टफ़ फेज़ है जिससे आप डील नहीं कर पा रहे थे आपका सब्र ख़त्म हो रहा था सिचुएशन ऐसी हो गई अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ सबके लिए नहीं होगी हो सकता है आपके पर्सन की जॉब चली गई हो सकता है उनकी लाइफ में लिटरली किसी की डेथ हो गई हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया और आपने बहुत ज़्यादा उनका साथ देने की कोशिश की आपने उस पर बहुत सब्र करने की कोशिश की उनको हौसला दिलाने की कोशिश की बट एक वक्त ऐसा आया कि आपकी बस हो गई वो ठीक नहीं हो पा रहे थे और आप से नहीं सहन हो रहा था कि ये इंसान उस तकलीफ़ में से नहीं निकल पा रहा मैं इसको कैसे संभालूँ मैं अब इसको नहीं संभाल पाऊंगी या नहीं संभाल पाऊँगा और आपने डिसाइड किया कि अब आप नहीं रह सकते हैं मतलब अब हो ही नहीं सकता है शायद अब हमारा कनेक्शन पहले जैसा होगा ही नहीं क्योंकि ये इंसान अब पहले जैसा नहीं रहेगा इस इंसान में ताकत ही नहीं ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा उस चीज़ से या कर पा रही राइट तो मुझे लग रहा है ये मैंने आपको एक एग्ज़ैम्पल दिया कुछ भी इसके अलावा हो सकती है और आपकी सिचुएशन बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगता है कि एक पलक झपकने में चीज़ें ऐसे ख़राब हुई हैं आप लोगों के कनेक्शन में कि आप सोच भी नहीं सकते थे पहले सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था ठीक था एकदम से ये इतना चैलेंज कैसे हो गया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिलों में प्यार अभी भी है कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए दुआ होंटों पर अभी भी है यानी आप चाहे उनसे दूर हो गए हो लेकिन आपको उनसे हमदर्दी है कंपैशन है आपके दिल में प्यार भी है आप कहते हैं कि चलो ये इंसान रिकवर कर जाए हील कर जाए जो भी इसकी ज़िंदगी में हुआ एकदम से हर तरफ़ से उनकी ज़िंदगी में टेंशन आना शुरू हो गई थी हर चीज़ उनकी ख़राब हो गई और आपने बहुत हौसला करने की कोशिश की बट एक दफ़ा आपका भी जो सब्र है वो जवाब देगा कि अब मैं कैसे इसके साथ आगे डील करूं और चलूं राइट तो ऐसी सिचुएशन मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है एंड आई फील कि अभी आपके पर्सन बहुत कुछ उन्होंने लर्न किया है बेहतर इंसान बन रहे हैं सारी सिचुएशन के बाद से अब तक चाहे आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं जो भी है कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये स्ट्रगल हुई मेरी ज़िंदगी में ये परेशानी आई लेकिन वो जो इंसान मेरा था मेरा लवर मेरा पर्सन अभी भी आपको वो माए पर्सन कह के याद करते हैं उस बेचारे की या उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी मैंने उसके ऊपर बहुत एकदम से प्रेशर डाल दिया मतलब उसने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की तो ये इंसान बहुत विदिन जा रहे हैं और बहुत रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में और वो सोच रहे हैं कि आपकी बहुत एफ़र्ट्स हैं और मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान वापस पलट कर आपके पास आएंगे वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर एकदम से ना बोझ सा बन गए थे यानी एकदम से ना मतलब जैसा मैंने कहा कि आपका उनसे डील करना उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने आपके ऊपर टू मच प्रेशर डाल दिया था एक टाइम पर अननेसेसरी प्रेशर आपका कोई कसूर नहीं था इस सिचुएशन में आपसे वो अच्छे से बात कर सकते थे डील कर सकते थे समझ सकते थे तो मुझे लग रहा है कि वो सोच रहे हैं इस बारे में उनको रियलाइजेशन हो रही है उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है और जैसा कि ये स्टार कार्ड आपकी रीडिंग को एंड कर रहा है इसका मतलब ये है कि हील हो सकता है आपका आपकी सिचुएशन आपका रिलेशन हील हो जाएगा हम आपके लिए दो कार्ड्स एज अ गाइडेंस देखते हैं बिकॉज आज संडे है राइट right? तो संडे और सैटरडे को रीडिंग थोड़ी सी लंबी हुआ करेगी आठ मिनट तक ओके okay, एक कार्ड आ गया है हमारे पास बॉटम ऑफ द जैक पर हमारे पास है प्रॉस्पेरिटी

गैदर कर रहे हैं अपनी करेज अपनी स्ट्रेंथ उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत किया है पहले की नस्बत पहले एकदम से उन्होंने अपना आप छोड़ दिया था जब वो हादसा हुआ जब वो इवेंट हुआ जो भी हुआ उन्होंने अपना आप एकदम से छोड़ दिया था लेकिन अब फिर से वो अपनी करेज अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आप भी आपको भी एक आ जा रहा है बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स तो आप भी मजबूत रहें चीज़ें बेहतर हो सकती हैं हीलिंग होगी आप लोगों के कनेक्शन में बहुत पॉसिबिलिटी है बट इट्स अ प्रोसेस प्रोसेस जब मैं कहती हूँ एकदम से आप ये ना समझेंगे कोई दस साल बीस साल लग जाएंगे हर इंसान की अपनी एक जर्नी है पाँच मिनट में भी हो सकता है इंसान ने बस अपनी मेंटल उस जर्नी से गुजरना है इट्स जस्ट के कब आप उस पॉइंट पर पहुँच जाते हैं एकदम से एक मोमेंट ही आता है ना आपकी ज़िंदगी में कुछ सेकेंड्स का वो मोमेंट होता है जो आपकी आपकी पर्सनैलिटी में आपके अंदर एक बड़ा चेंज ले आता है तो हर किसी के लिए प्रोसेस डिफरेंट होगा किसी के लिए ये प्रोसेस दो मिनट का है किसी के लिए प्रोसेस दो दिन का है किसी के लिए दो घंटे का है किसी के लिए दो साल का है तो डिपेंड करता है हर किसी की जर्नी पर उसके मेंटल लेवल पर उसके सीखने की एबिलिटी पर तो मुझे लग रहा है कि जो मेन एक मैसेज है ना आप कलेक्टिव के लिए वो ये है कि ये यहाँ पर हीलिंग हो सकती है क्योंकि ना आपने उनको भुलाया ना उन्होंने आपको भुलाया है अभी तक तो यही बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं एक दूसरे से मोहब्बत है एक दूसरे के लिए दुआ अभी भी कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है सो so ये आप लोगों की आज की क्विक एनर्जी अपडेट थी कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन लव यू लॉट्स बाय बाय